सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो 2024 में और अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे या तो आप क्लाइंट्स को अच्छे से रीच आउट नहीं कर पा रहे तो आपको तो आप तो आप क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए टू तो रीच क्लाइंट्स एंड तो आपको क्या क्या मिस्टेक सुधारनी चाहिए कि आपको जल्दी से क्लाइंट्स मिल तो जाए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर मिस्टेक्स के बारे में जो आप करते हो वाइल रीचिंग आउट क्लाइंट्स और मैं तो आपको फोर टिप्स ऐसी दूंगा जिससे आप वो चीजें इंप्रूव करके क्लाइंट्स को ज्यादा रीच आउट करके अप्रोच कर सकते हो सो विदाउट वेस्टिंग

आपको कभी क्लाइंट्स मिलते हैं बहुत ज्यादा और कभी क्लाइंट्स बहुत कम मिलते हैं पर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो आप रीच आउट कैसे कर सकते हो और ज्यादातर क्लाइंट्स को ज्यादातर टाइम पे कैसे अप्रोच कर सकते हो तो so, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मिस्टेक्स के बारे में जो लोग करते हैं वाइल अप्रोचिंग क्लाइंट तो सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो लोग अपना प्रपोजल डाल के या अपनी गिग बना के फिर उसे छोड़ देते हैं कि क्लाइंट्स खुद ब खुद आएंगे पर ऐसा नहीं होता उनको अपने गिग्स को अपने प्रपोजल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करना होता है और दूसरे लोगों से सजेशन लेनी होती है कि उन लोगों ने क्या सही से प्रपोजल डाला है या है। अगर आप सिर्फ प्रपोजल में दो लाइन का प्रपोजल डाल के सेंड कर तो आप सोचोगे की क्लाइंट सामने से आएगा और आपके पास कोई रिव्यू भी नहीं तक तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है सो तो अगर आपको क्लाइंट सीरियसली चाहिए हो, तो आपका प्रपोजल एकदम वेल मैनेज पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए और प्रपोजल देख के आपके क्लाइंट को लगना चाहिए कि आप सची में एक प्रोफेशनल बंदे हो सो सेकंड पॉइंट हमारा यही है किसईओ कि पे काम नहीं करते का मतलब होता है वो लोग सिर्फ गिग डाल लेते और की उनके बहुत बेकार होते हैं सिर्फ वन वन वर्ड के की डाल के सोचते हैं कि क्लाइंट्स को अपने आप अपने हमारी गिग मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होता आपको एसई पे ज्यादा काम करना पड़ेगा और अगर आपको एसई पे अच्छे से काम कर लेते हो और टाइटल अच्छे से वेल well मैनेज बना लेते हो तो so, आपकी गिग कहीं ना कहीं तो रैंक कर ही देगी एक टाइम था जब मेरी गिग पेज पे फर्स्ट नंबर पे आती थी क्योंकि मैंने एसईओ पे ज्यादा अच्छे से काम किया था और एक बार अगर आपकी आपकी गिग गिग को अच्छी प्रेजेंस मिल गई तो आपकी अपने आप दूसरे लोगों तक पहुंचेगी थर्ड मिस्टेक की हम लोग बात करते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छे से नहीं मैनेज है वो प्रोफाइल कोई की भी हो सकती है की आपके सोशल मीडिया की हो सकती है आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अकाउंट की हो सकती है आपने बहुत ज्यादा इनफॉर्मल इमेज डाली है वो ये आपकी वहाँ पे और आपके ज्यादा एजुट भी अच्छे से नहीं है और आपने छोटी छोटी चीजों में जो गलती करते हो वो फिर आपके क्लाइंट्स पे बहुत बुरा जो हॉबीज है, है।, है, 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 है सब अच्छे से वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए सिर्फ वो भी मैं बोलूंगा दो लाइन में आपको खत्म नहीं करना है आपको पहले अच्छे से प्रेजेंटेबल प्रोफाइल बनानी होगी जिससे क्लाइंट आपसे अट्रैक्ट हो फिर हम लोग लास्ट मिस्टेक की बात करते हैं ये फील्ड में अगर आप नए एंटर हुए हो तो आपकी प्राइजेस को कंपेरेटिवली सबसे लो रखनी है क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिशन है और है, वो लोग ऑलरेडी ये मार्केट में है और वो लोग ऑलरेडी है, है, लो है।, so लो है और उनसे इक्वल भी हो तो भी आपके पास वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनको दूसरे फ्रीलांसर्स के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है प्राइस so लो तो रखनी है और लो मतलब इतना ज्यादा लो नहीं किसाइन लगे कि आप स्कैम करने बैठे हो लो मतलब कंपेरिटिवली लो लाइक मैं अगर एक वेबसाइट बना रहा हूं और नॉर्मली उसका प्राइस चलता है सौ डॉलर तो मैं उसको ऑफर कर सकता हूं इन समथिंग लाइक सेवेंटी टू एटी डॉलर ट्वेंटी थर्टी डॉलर कम करने से स्टार्टिंग में, में मेरा कोई लॉस नहीं हो जाएगा पर क्लाइंट्स को मेरे को रीच करने में ज्यादा हेल्प होगी अगर सेम चीज को मैं अगर टेन टू ट्वेंटी डॉलर में करने लगू तो क्लाइंट्स को लगेगा की क्वालिटी वर्क नहीं देगा और वो मेरे पास रीच आउट करेंगे ही नहीं तो आपको एकदम एवरेज मिडल प्राइस पे रहना है जो की बहुत ज्यादा हाई ना और बहुत ज्यादा लो ना हो तो ये तो थी चार मिस्टेक्स अब बात कर लेते हैं ऐसी चार एक्स्ट्रा चीजों की जो आपको करना चाहिए जिससे आपकी गिग और आपका प्रपोजल ज्यादा वर्क करे तो सबसे पहले चीज तो है मैंने पहले ही बात कर ली है कि स्टार्ट विथ लो प्राइस एंड इन अ लेस कॉम्पिटिटिव नीच अब आप स्टार्ट करो एक ऐसी नीच में जो कि बहुत कम कॉम्पिटिशन हो जिसमें एग्जाम्पल दू तो रियक्ट डेवलपर्स जो है उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू थ्री डॉट जे एस डेवलपर्स तो अगर आप थ्री डॉट जे एस में सर्विस ऑफर कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कम कॉम्पिटिशन मिलेगी और अगर वहां पर आपने ऐसी ज्यादा कर लिया तो चांसेस ज्यादा है की आपकी जो गिंग वो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्म करे पर अगर हम लोग बात करें ऐसी कोई नीच की जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो तो आपका जितना भी अच्छा SEO हो दूसरे का उससे भी अच्छा हो सकता है तो so, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी गिग पहले पेज पे अपियर करें एंड आपको प्राइजेस भी लोअर रखनी है जिससे की आपकी गिग और ज्यादा बने एंड चीज की बात करें हम लोग तो आपको स्टार्ट करना है फोकसिंग ऑन क्लाइंट देन योर ओन अर्निंग सो आपको सबसे पहले तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है अब स्टार्टिंग में आपको अर्निंग के ऊपर ज्यादा नहीं देखना आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है तो बाकी क्लाइंट्स आपके प्रोफाइल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज देख के अपने आप आपको रीच आउट करेंगे सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं वो लोग सोचते हैं कि अब क्लाइंट पहला मुझे मिल गया अब मैं इसको कैसे करके कुछ भी काम दे दूंगा मुझे मेरे पैसे तो मिलने ही वाले सो so, ये जो है वो बहुत गलत चीज है अगर आपने ऐसा किया तो ये क्लाइंट तो आपको कंप्लीट हो जाएगा पर आगे क्लाइंट मिलने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सो so, आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है और थर्ड चीज जो है वो आपको कीप कॉन्टेक्ट विद ओल्ड क्लाइंट अब आपके जो ओल्ड क्लाइंट चले गए उनसे आपको कॉन्टैक्ट बनाए रखना उनसे कॉन्टेक्ट तोड़ना नहीं है क्योंकि अगर ओल्ड क्लाइंट है उनको वापस कोई काम की जरूरत पड़ेगी तो वो आपके पास वापस आएंगे और लास्ट थिंग को तो तो जो आपको करनी है टू गेट मोर क्लाइंट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं एक प्रपोजल डालते दो प्रपोजल डालते हैं दस प्रपोजल डालते हैं और फिर उसके बाद कोई रीच आउट नहीं करता तो भूल जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना प्रपोजल डालते रहने है जब तक आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलता आपको कभी ना कभी तो क्लाइंट रीच आउट करेंगे जैसे की मेरे केस में मैंने जब अपवर्क पे स्टार्ट किया था वर्क करना तो पहले ही वीक के अंदर मुझे दो क्लाइंट ने रीच आउट किया और एक क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दे दिया तो आपको ऐसे करके करते रहना है कभी ना कभी तो वन मंथ में नहीं तो टू मंथ में कभी ना कभी तो क्लाइंट्स आपको रीच आउट करेंगे अगर आपकी सर्विस अच्छी हुई प्रोफाइल अच्छी हुई एस अच्छा हुआ और आपके एजुकेशन भी सब सही रहे तो आपको जल्दी से जल्दी क्लाइंट्स मिल ही जाएंगे कैसे भी करके ये थी कुछ टिप्स जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए के आपको बता दिया कि आपको ये नहीं करनी है और क्या क्या चीजें करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया so, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस और अगर ये वीडियो पे फिफ्टी लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सेवन डेज के अंदर एक फ्रेश अकाउंट को स्टार्ट करते हुए कैसे क्लाइंट्स को लेता हूँ और और कितना चार्ज करता हूं और मैं ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी बताया है वो कैसे करता हूं और येस दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग